तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 6 और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा। डेट है आज 12th of March 2020। डेली करंट अफेयर्स शो के साथ आप लोगों के सामने आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम जस्ट फिट योर रियलिटी, अपग्रेड योर कन्विक्शन टू मैच योर डेस्टिनी। आज का जो पहला करंट अफेयर है आप लोगों के लिए वो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो यूएनडीपी ने रिलीज किया है एक इंडेक्स जिसका नाम है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जिसके मदद से यहाँ पर मेजर किया जा रहा है कि जो सोशल बिलीव्स हैं वो जेंडर इक्वलिटी को किस तरीके से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी को किस तरीके से यहाँ पर रोक रहे हैं। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि मोर देन 75 कंट्रीज कवरिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनसे यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया गया। रिपोर्ट के हिसाब से आधे से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन ये मानती है कि जो मेन होते हैं दे आर बेटर पॉलिटिकल लीडर्स देन वेमेन। उनका ये भी कहना है कि 40% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ये कहती है कि अगर जॉब्स की कमी है तो जॉब्स की प्रेफरेंस पहले मेन को देनी चाहिए, वेमेन को नहीं देनी चाहिए। आज सिर्फ 24% पार्लियामेंट्री सीट्स महिलाओं के लिए यहाँ पर हैं और महिलाएँ उन पर्टिकुलर सीट्स पर बैठी हुई हैं। यूएनडीपी की पिछली रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर आप लोग देखोगे, जेंडर इनइक्वलिटी रैंक 2018 के अंदर हमारी 122 थी और 2015 की यूएनडीपी रिपोर्ट के हिसाब से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था वो था 174 पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। इस आर्टिकल से बीजिंग डिक्लेरेशन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाइज ये जो साल है 2020, ये 25th एनिवर्सरी ईयर है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का, इसको बीजिंग के अंदर साइन आउट किया गया था ड्यूरिंग दी 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन 1995। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएनडीपी इज कॉलिंग द मेंबर कंट्रीज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इवेंट्स और सारे के सारे देश जेंडर इक्वलिटी के लिए यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चला सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, HAL टू सेटअप लॉजिस्टिक बेसिस इन वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। गाइस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर सेटअप कर रहा है अपना लॉजिस्टिक बेस वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका में। और ये क्यों किया जा रहा है? दिस इज टू एंटाइस देम टुवर्ड्स बाइंग इंडियाज मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जिससे यहाँ पर ये सब देश HAL के बनाए हुए ही हेलीकॉप्टर खरीदें। तो ये हमारी आप कह सकते हो एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। HAL इज वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द डिफेंस एक्सपोर्ट, जिससे हम लोग $5 बिलियन डिफेंस टारगेट जो हमारा है एक्सपोर्ट का उसे अचीव कर सकें। इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया इन अचीविंग डिफेंस टारगेट ऑफ ₹35,000 करोड़ बाई 2024। करेंटली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 17,000 करोड़ रुपीज़ के डिफेंस प्रोडक्ट। जो तेजस है हमारा इन पर्टिकुलर, इट इज़ बींग प्रमोटेड फॉर इट्स हाई लाइफ स्पैन ऑफ 30 ईयर्स। और HAL ने आइडेंटिफाई किया है वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को, जहाँ पर वो अपने रुद्र, तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर बेचेंगे। HAL का क्या रोल है? गाइज HAL हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल पोजीशनिंग इन बूस्टिंग द डिफेंस एक्सपोर्ट, और कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी यहाँ पर 19,705 करोड़ का था। यहाँ जो एक शब्द का बार बार यूज हो रहा है लॉजिस्टिक्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस तरह सप्लाईज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री आती है, वेयर हाउसेज आते हैं और सोशल सिक्योरिटी वाली यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो कवर होती हैं। मूविंग ऑन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिपोर्ट हमारे सामने आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। हम लोग पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पर हैं जो अपने देश के अंदर आर्म्स को इम्पोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि रशिया इज़ दी लार्जेस्ट सप्लायर टू द इंडियन मार्केट बिटवीन 2015 टू 2019। ऑल्दो रशिया से जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम हुआ है, 72% था पहले हमारे वेपन इम्पोर्ट का, अब वो 56% हो गया है, बट फिर भी रशिया हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट पार्टनर है। रिपोर्ट का ये कहना है कि टॉप 5 आर्म इम्पोर्टर्स कौन है पूरी दुनिया में। नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे है इजिप्ट, नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे है चाइना। जो 5 देश हैं ये 36% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरी दुनिया के आर्म्स इम्पोर्ट का। इंडिया लगातार आर्म इंपोर्ट्स को बढ़ाती जा रही है। रिपोर्ट का कहना है दैट इंडिया एक्वायर मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसके अंदर यहाँ पर स्कैटनर 6000 रडार्स हैं जो डेनमार्क से लिए हैं, ACTS सोनार सिस्टम है जो हम लोगों ने जर्मनी से लिए हैं,
एम्ब्रेयर ERJ-145 जेट हैं, ब्राज़ील से लिए हैं। K9 थंडर आर्टिलरी गन्स हैं, साउथ कोरिया से ली हैं। सुपर रैपिड 76 mm नेवल गन्स हैं जो हम लोगों ने इटली से ली हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गाइस, गुजरात हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप प्लांट्स हैं पूरे के पूरे देश में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप डेडिकेटेड स्कीम्स, जैसे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को हम लोग यहाँ पर अचीव कर सकें। एस देर आर अराउंड 50,915 रूफ टॉप सोलर प्लांट सेटअप इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और उनकी यहाँ पे एक स्कीम चल रही है, दैट इज सूर्य गुजरात। ओके, सूर्य गुजरात चल रही है, इसके अंदर सोलर एनर्जी को डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ाया जा रहा है, और उसके अंदर वो 40% सब्सिडी भी दे रहे हैं टू प्रोजेक्ट्स विद कैपेसिटी बिटवीन 3 kW पर आवर एंड 10 kW आवर। गुजरात के बाद महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया है, जहाँ पर 5,513 इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। यह इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी थी। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट क्यों है गाइस, बिकॉज करेंटली जो सोलर पावर कैपेसिटी है हमारी देश की एज ऑफ जनवरी 2020 वो 34.045 GW है, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम लोग 20 GW का टारगेट अचीव करेंगे बाई 2022। सो एज दी टारगेट वॉज अचीव्ड अर्लियर, अब हम लोगों को 100 GW वाला टारगेट अचीव करना है बाय 2022। इस इंक्लूड्स 40 GW ऑफ रूफटॉप सोलर पावर एज वेल। मूविंग ऑन, कोरोना वायरस ने अब डायमंड इंडस्ट्री को भी अटैक कर दिया है। जो वर्कर्स हैं हमारी डायमंड इंडस्ट्री के अंदर, खासकर सूरत के आसपास, वहाँ पर जॉब लॉस देखने को मिली है और उन लोगों के पे कट्स भी हो गए हैं। ओके, तो कोरोना वायरस अब यहाँ पर हमारी डायमंड इंडस्ट्री को भी एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं। देर आर मोर देन 15,000 बिग एंड स्मॉल फर्म्स जो कि गुजरात के अंदर हैं, जो कि डायमंड्स को प्रोसेस करती हैं और फिर पूरी दुनिया के ज्वेलर्स को यहाँ पर देते हैं, जो कि अराउंड 1.5 मिलियन लोगों को एक जॉब देते हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रेडिक्ट करती है कि इंडियन जेम इंडस्ट्री इज टू लूज $1 billion ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। ओके, जो एक्सपोर्ट है टू चाइना वो भी हमारा 14% से गिर गया, और हांगकॉन्ग से 21% से गिरता हुआ हम लोगों को नजर आया। गाइज, अब जो जेम इंडस्ट्री है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स इन द वर्ल्ड। हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जेम के पूरी दुनिया में, एंड जेम्स इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्री अराउंड हमारी GDP का 7% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। anti-HIV ड्रग यूज्ड अगेंस्ट COVID-19 फॉर इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर लिपोनिविर और राइटोनिविर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया एक इटालियन पेशेंट से डील करने के लिए, जिसको यहाँ पर कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ओके, तो ICMR इज डूइंग All these things for us। अब गाइज, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग कौन होते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग वो होते हैं जिसमें मिनिमम डोसेज दी जाती है, जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड लाइन ड्रग प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग काम करना बंद कर देते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग होते हैं, दे हैव अ हायर साइड इफेक्ट्स देन फर्स्ट लाइन ड्रग। जब दोनों ही काम नहीं करते तो फिर वो ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज होती है, फिर हमें थर्ड लाइन का सहारा लेना पड़ता है। UNCTAD FDI inflow are to drop by 15% due to coronavirus। Guys, यहाँ पर United Nations Conference on Trade, Investment and Development ने वार्निंग दी है कि जो FDI inflow है पूरी दुनिया के अंदर वो 15% से कम हो जाएगा। कारण क्या? कारण अपना coronavirus। United Nations ने पहले भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि जो ग्रोथ है ग्लोबल इकोनॉमी की वो स्लो डाउन होगी इन द ईयर 2020-2021, और कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और भी ज़्यादा तगड़ा झटका लगा है। हमारे देश के अंदर FTI के बारे में बात करें तो इंडिया भी यहाँ पर FDI प्रोटोकॉल को ईज आउट कर रही है। रिसेंटली हम लोगों ने कोल में अलाउ किया, फिर यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो मीडिएटर्स होते हैं उनको 100% अलाउ किया। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, और हम लोग यहाँ पर मेक इन इंडिया को एज अ मैनुफैक्चरिंग हब भी यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो आज के लेसन में आप लोगों के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।